की बोलते हैं हम लोग। Hello guys, welcome back. So, अभी हम हैं जबलपुर में और एक ट्रिप करके आ गए हम लोग और आज से शुरू हो रही है दुर्गा पूजा, मतलब कल से शुरू हो गई थी, कल थी पंचमी, आज है षष्ठी। इट्स लाइक अ 5 days फेस्टिवल बट बंगाली में। अगर आप आपके दोस्त वगैरह हैं, अगर आप खुद भी हो तो आपको पता होगा कि किस तरह से हम लोग सेलिब्रेट करते हैं। और नवरात्रि का टाइम है, ऑब्वियसली 9 दिन बहुत ही अच्छे से मनाया जाता है हर जगह पे, यहाँ पे भी गरबा वगैरह बहुत चीज़ें चल रही है। तान का ये पहला दुर्गा पूजा होने वाला है तो ही इज़ ऑल्सो वेरी एक्साइटेड। एवरी डे इसका कुछ ना कुछ चेंज हमको नज़र आ रहा है, आपको पता चल जाएगा हमारे वीडियोस के थ्रू क्या क्या चेंजेस हो रहे हैं। अभी ये बहुत ज़ोर ज़ोर से चीखने लग गया है, पता नहीं है ना। तो शुरू करते हैं आज का ब्लॉग और देखते हैं यहाँ पे किस तरह से मनाया जाता है। यूजली मतलब सुना है कि बहुत अच्छे से मनाया जाता है, बट अब देख भी लेंगे। ये रेडी ऑलमोस्ट हो चुकी है और हम लोग तो क्या कुछ है नहीं अपना, हम तो ऐसे ही रेडी रहती हैं, हमेशा रेडी रहते हैं। मुझे भगवान ने लड़की नहीं दी वरना मेरा डबल टाइम लग जाता, उसको भी तैयार करने में और मुझे खुद होने में। हाँ, और फिर मेरा क्या हालत होता मतलब पिता का 1-1.5 hours और बेटी होती तो उसका 1.5 hours, तो 3 घंटे तो कहीं के नहीं रहे। मतलब हर जगह पे हम लोग को 3 घंटे पहले से सब रेडी वेडी होना पड़ता है ना। तो गाइस आज है सप्तमी और सब रेडी हो चुके हैं, ये देखो। आजा आजा जल्दी, तो हम जा रहे वापस से घूमने। आ जाओ, तान भी रेडी है। गाइस पहुंच गए यहाँ पे, आवाज आपको सुनाई दे रही होगी, हाकी बोलते हैं हम लोग जो ड्रम्स बजाते हैं, हाकी का सुनते हैं, हाकी बहुत पसंद आता है हमें। कैसा सीन है यहाँ पे, यहाँ पे मतलब बंगाली कम्युनिटी होती है, जैसे आप अगर वेस्ट बंगाल से बाहर आते हो तो वहाँ पे कैसे बंगाली कम्युनिटी अपना पूजा करते हैं, तो हम लोग कैसे दुर्गा पूजा करते हैं। तो यहाँ पे हरप्रसाद के पापा मेंबर है और बहुत पुराना पूजा है, शायद 50-60 years पुराना पूजा है, तो अभी वो लोग काइंड ऑफ सब कुछ सेटअप वगैरह सब कुछ यहीं पे करते हैं। और बहुत ही ये देखो ये वाला है, तो इनका काइंड ऑफ ये क्लब है बंगाली एसोसिएशन, तो अच्छा लगता है। यहाँ पे फैमिली गैदरिंग होती है, फ्रेंड्स की गैदरिंग होती है, सब यहाँ पे बहुत ही घुल मिल के बहुत अच्छे से मस्त मनाते हैं। मुझे तो पर्सनली बहुत अच्छा लगा। और यहाँ पे हम लोगों का लंच था, लंच मतलब एवरीडे लंच और डिनर सब यहीं पे होता है, मतलब घर पे भी। सो गाइस अपना तो हो गया है लंच वगैरह, अब चलते हैं गाड़ी निकालते हैं और फिर चलते हैं घर, थोड़ा सा रेस्ट वेस्ट लेंगे, फिर शाम को भी निकलना है। मतलब ऐसे कैसा है कि 5 दिन पूरा एकदम लोग फेस्टिव का माहौल है यहाँ पे भी और कहीं पर भी, मतलब आप जाओगे तो स्पेशली नवरात्रि के टाइम बहुत अच्छे से मनाया जाता है। और बंगालीज में तो आप देखोगे तो दुर्गा पूजा बहुत ही बड़े धूमधाम से मनाया जाता है, तो हम लोग भी बहुत एक्साइटेड रहते हैं। मैं पुणे में रहूं, यहाँ रहूं, या जमशेदपुर रहूं, या कोलकाता में रहूं, कोलकाता में तो मैसिव होता है मैसिव, और यहाँ पर भी अच्छा होने लग गया है। मतलब यहाँ पे नवरात्रि भी होती है और ये दोनों चीज़ें होती है। सो गाइस हम लोग हो गए रेडी और अब हम जा रहे हैं, बस निकलेंगे थोड़ी देर में, आज कुछ शो और प्रोग्राम्स वगैरह हैं। हाँ, आज हम लोग जा रहे हैं पंडाल हॉपिंग, तो यहाँ पे बहुत सारे पंडाल्स है, तो कल भी हम लोग गए थे और आज भी जाएंगे। तो गाइस हम लोग निकल चुके हैं अभी और यहाँ पे माहौल कुछ अलग ही होता है, ये देखो पूरा जो सिटी है पूरा एकदम लाइट से सजाया गया है, अलग माहौल है काफी यहाँ पे। जमशेदपुर में बहुत अच्छा माहौल होता है, पुणे में समझ में नहीं आता है अनलेस यू रीच कि कहाँ पे वो पूजा वगैरह हो रही है। Thank you.
चलो अभी यहाँ का माहौल तो काफी अच्छा है। আলিঙ্গনে মহামারি মুছে যাবে আজ ঠাকের পিঠে পড়লো কাঠি পুজো হোক জমজমাটি নতুন সাজে সেজেছে আকাশ Thank you.